नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Learn with Dax में। सो फ्रेंड्स, आज यानी कि डेट 14th ऑफ मार्च 2023 के दिन थी स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज की एग्जाम, जहां पर आज के इस वीडियो में हम 80 मार्क्स का जो हमारा ये पेपर आया हुआ था, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है समझने वाले हैं, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को यहां पे पता चल सके कि कितने मार्क्स का कितना करेक्ट जो है वो आपने यहां लिखा है, और एक अपने आप ऑब्जर्वेशन जो है वो आप यहां पे कर पाए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट किया जाए हमारा आज का ये पेपर सॉल्यूशन फटाफट से। आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बने रहेगा वीडियो में एंड तक, ताकि यहाँ पर समझाया हुआ ये सॉल्यूशन काफी अच्छे से आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू एंड अभी तक चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ है, तो स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड सभी के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बगल में दिए हुए बेल आइकन कर दीजिएगा ऑल पर सेट, ताकि इन फ्यूचर आने वाले इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखने मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फटाफट स्क्रीन की तरफ। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पर आज का यानी कि डेट 14th ऑफ मार्च 2023 का स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर, जहाँ सबसे पहले स्टार्ट किया जाए सॉल्यूशन हमारे सेक्शन ए से, जहाँ यहाँ इंस्ट्रक्शन हमें दी हुई थी कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ जो भी फ्रेंड्स हमें पैराग्राफ दिया था, इसे हमें करना था अच्छे से रीड, और इसके ऊपर से यहाँ क्वेश्चन नंबर 1-4 के आंसर्स जो हैं वो हमें देने थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिक फीलिंग डिड मैडी हैव। यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर डी, द पैगी हैड टीज्ड वांडा एंड मैडी नेवर सेड अगेंस्ट इट। सेकंड है, गिव अनदर एक्सप्रेशन फॉर शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा शूज। यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर ए, शी कुड हैव बीन इन द प्लेस ऑफ वांडा। थर्ड है, मैडी वांटेड टू फाइंड अ वांडा टू डैश। यहाँ आएगा ऑल ऑफ दिस थ्री, ऑप्शन नंबर डी, ये तीन हो जाएंगे यहाँ आंसर में। फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू मैडी व्हाट वाज डिजायरेबल ऑन द पार्ट ऑफ पैगी टू डू। यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर सी, पैगी कुड हैव टोल्ड वांडा सी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। इसके बाद था फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लैंक्स। ब्लैंक्स के अंदर यहाँ जो है सबसे फर्स्ट ब्लैंक में आएगा फ्रेंड्स केयरफुली, सेकंड में रेगुलरली, थर्ड में डिस्क्रीट एंड फोर्थ में आ जाएगा वेरियस। इस तरह से अगर आपने ब्लैंक्स किए हुए हैं तो 4 मार्क्स आपके कवर हो गए ब्लैंक्स के एंड 4 मार्क्स हो गए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5-6 सेंटेंसेस ऑफ ईच। यहाँ मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने बताए हैं, आंसर्स 5-6 सेंटेंसेस में लिखने थे अपने को, जो कि आपने लिखे होंगे यहाँ पर। टोटल 9, 10, 11 एंड 12 के अंदर 4 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें फ्रेंड्स दिए हुए थे, हर एक क्वेश्चन कैरी करता था 2 मार्क्स। टोटल 8 मार्क्स का यहाँ पर था ये सेक्शन का क्वेश्चन। या 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डज वेली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। तो यहाँ पर आने वाला था कंटेंट के अंदर, व्हेन शी सो डेड बॉडी ऑफ अ काउ, मरी हुई गाय जब उसने देखी तो विंडो से बाहर देखना बंद कर दिया था। इसे रिलेटेड अच्छा सा आपने लिख दिया होगा। 10th है, वॉज एन ए राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। यहाँ नो से इसका आंसर बनना है, और इसका आंसर भी आपने लिखा होगा अच्छे से। 11th है, कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद बुद्धा, व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकंड टाइम अराउंड, डज शी गेट इट, व्हाई और व्हाई नॉट। तो अ फुल ऑफ हैंड मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम दैट हाउस वेयर नो वन इज डाइड। इस चीज़ की डिमांड यहाँ जो है वो कीसा गौतमी ने की थी, यहाँ उसे नहीं मिली थी, बिकॉज ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे किसी की मौत यानी कि किसी की डेथ जो है वो ना हुई हो। 12th है, इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। यहाँ आएगा यस, ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ बिकॉज एवरी फेस्टिवल और ओकेजन इज मीनिंगलेस विदाउट ब्रेड। 12th है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू इन द एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्म। यहाँ आएगा, नरेटर्स प्लेन वॉज जंपिंग ट्विस्टिंग एंड नरेटर कुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, ऑल द इक्विपमेंट्स ऑफ द प्लेन आर डैड। ये इस तरह से हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट। इसके बाद आता है सेक्शन बी, जो कि पोएट्री सेक्शन है, सप्लीमेंट्री रीडर बुक का सेक्शन है। यहाँ वर्ड्स रीड करके आंसर लिखना था। फर्स्ट था यहाँ 13 नंबर का, व्हाट लेसन इज द बॉय लर्निंग। तो यहाँ इसके लिए अपन आंसर लिख देंगे, द बॉय इज लर्निंग अ लेसन व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। 14 है, व्हाट डज एवरी मैन नो वन डे। तो यहाँ आएगा, एवरी मैन शुड वन डे नो दैट लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ दैट वन डे वी विल लूज अवर लव्ड वंस एंड अवर लव्ड थिंग्स। इसके बाद FOS फिगर ऑफ स्पीच था, जहाँ 15th नंबर की फिगर ऑफ स्पीच है, विद अ क्लैटर एंड क्लैंक अ जैंगलिंग स्क्विरम। जैंगलिंग इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड, और साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड हो तो आता है ऑनोमेटोपिया। 16th है, बैलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। एल और एल यहाँ रिपीट होता है, जब भी किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर 2 or more than 2 times रिपीट होता हो तो वो होगा फ्रेंड्स यहाँ एलिट्रेशन। तो ऑनोमेटोपिया एलिट्रेशन आपने किया है, तो यहाँ पर 2 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए होंगे FOS के।
इसके बाद आगे फ्रेंड्स बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था पोएम से कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 to 6 सेंटेंसेस ऑफ ईच. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है. टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चंस और 6 मार्क्स के मिल रहे थे. सो द फर्स्ट है व्हाट कलर इज द यंग वुमन्स हेयर. व्हाट डज सी से. सी कैन चेंज इट इनटू. व्हाई वुड शी वांटेड टू डू सो. यहाँ येलो कलर के हेयर जो है वो यंग वुमन के होते हैं. यहाँ एन ग्रेगोरी से लिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन है ये. 18 व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज. व्हाई द ड्रैगन इज कॉल्ड कावर्ली ड्रैगन. बिकॉज एवरीबडी एल्स इन द हाउस was brave and the custard dragon was very cowardly, that's why. 19th, describe the tiger's movement in its natural habitat. So tiger goes around the jungle and boundaries of the village and terrorize the villagers. इसके बाद में how will the world parry twice, जो कि यहाँ पर हमें fire and ice poem से लिया हुआ यहाँ एक question दिया था. supplement reader के questions की बात करें तो यहाँ 20th था. how did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life. तो यहाँ आएगा because she was polite and friendly. With touch her heart and affection created to her. 21st है यहाँ पे. Griffin was a lawless person comment. तो यहाँ if he had harmed Griffin was यहाँ हम लिख देंगे Griffin was not bothered if she had harmed anybody in the fulfillment of what he wanted. 22nd है यहाँ पे. How does the narrator treat the dog. तो यहाँ आएगा narrator cuts down his food and given plenty of water with strict training to the dog. 22nd था यहाँ पे. How does Ozebel manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room. What happened in the end. तो यहाँ आएगा he began to saying that it was the second time in a month that somebody had got into his room through that nuisance of a balcony. और इस तरह से यहाँ सेक्शन बी जो है ये हो जाता है फ्रेंड्स सॉल्व. सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन. इसकी बात करें सबसे पहले एरर करेक्शन. तो 23 के अंदर यहाँ इनवर्ट्स की जगह आ जाएगा फ्रेंड्स आउटवर्ड्स. हर की जगह होगा हीज. देन की जगह टी एच ई एन वाला देन. यहाँ ये कंपेयर के लिए होता है या टाइम के लिए होता है. बिफोर की जगह फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये आ जाएगा अगेंस्ट. इसके बाद फाइल जो है इसकी जगह आ जाएगा फील. कट की जगह आ जाएगा कटिंग. इस तरह से अगर आपने एरर्स एंड करेक्शन लिखा है तो यहाँ एरर्स एंड करेक्शन के जो 3 मार्क्स थे ये आपने कर लिए होंगे सिक्योर. इसके बाद फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करते हैं ब्लैंक्स की तो ब्लैंक्स वाइज सबसे फर्स्ट वाली जो ब्लैंक है उसके अंदर जाएगा विथ. सेकंड वाली जो ब्लैंक है इसमें आएगा वैन. थर्ड में आउटसाइड. फोर्थ में दैट. फिफ्थ में सो. एंड सिक्स के अंदर आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ओवर. पंक्चुअर द फॉलोइंग पैसेज के अंदर यहाँ आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो लगा देंगे हम. इसके बाद वेल के बाद एक कॉमा आ जाएगा. एटलीस्ट के बाद कॉमा. डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ खत्म हो जाएगा. यहाँ एक कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होगा. यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स फुल स्टॉप. इनडायरेक्ट स्पीच की अगर बात करें तो यहाँ आएगा एंड सेड दैट मार्गोट एंड शी हैड बीन सेंट टू एशन टू स्टे विद देयर ग्रैंड मदर. मार्गोट हैड वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड शी हैड फॉलोड इन फेब्रुआरी. डूएस डायरेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ही फेल्ट. जहाँ फेल्ट जो है वो पास्ट है. पास्ट हो यानी यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस तो हो जाएगा यहाँ पे डिडंट. और ही पीछे जाएगा तो हो जाएगा डिडंट ही और हो जाएगा क्वेश्चन मार्क. पूरा यहाँ क्वेश्चन लिखना था उसके बाद करना था फुल स्टॉप की जगह हमें कॉमा और कॉमा के बाद यहाँ लिखना था डिडंट ही. ऐसा किया है तो पूरा वन मार्क आपको मिलेगा. चेंज द वॉइस ही स्ट्रेचड आउट हीज हैंड्स टूवर्ड्स मी. तो हीज हैंड्स यहाँ पे आ जाएगा आगे. फिर लग जाएगा वॉस. स्ट्रेच का हो जाएगा स्ट्रेच और ही जो है पीछे आएगा तो हो जाएगा बाय हिम. टूवर्ड्स मी को हम वैसे लिख देंगे. ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड्स एंड सेड टू हिज सन्स कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ आ जाएगा स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड ही सेड टू हिज सन्स. इसके बाद नो सुनर यूज करना है तो हम लिख देंगे नो सुनर डीट. यहाँ स्विचड का हो जाएगा आई स्विच ऑन द रेडियो. एंड की जगह लग जाएगा देन और उसके बाद लिख देंगे सेड. इसके बाद देर वॉज नो आंसर. चेंज इन टू इंटरोगेटिव तो लिख देंगे वॉज देर एनी रिप्लाई और ये हो जाएगा इंटरोगेटिव में चेंज. इस तरह से डूएस डायरेक्टर जो है फ्रेंड्स ये हो जाता है यहाँ कंप्लीट. सेक्शन डी की बात करें अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन आंसर्स और स्टांजा में से क्वेश्चन आंसर्स जो हमें दिए गए थे. 45 नंबर का था व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज पपाया. इसका आंसर यहाँ पे लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव आ जाएगा. हाउ इज द पपाया हेल्पफुल टू अस. यहाँ आ जाएगा ये वाला आंसर अपना 46 के लिए. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन पपाया. इसके लिए आंसर यहाँ हो जाएगा अपना ये लाइन से यहाँ तक. और लास्ट था विच एलिमेंट्स कैन बी क्योर्ड विद द राइप पपाया. तो यहाँ हो जाएगा ये लास्ट वाले का आंसर. इस तरह से आंसर आपने लिखा है तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे फ्रेंड्स 4 मार्क्स यहाँ सिक्योर. इसके बाद स्टांजा पर से जो है वो हमें आंसर लिखने थे इसकी बात कर ली जाए तो यहाँ हु इज स्पीकिंग इन द फर्स्ट स्टांजा. टू द विंड. व्हाट आर द लीव्स आस्क्ड टू डू. कम ओवर टू मीडोज टू प्ले एंड हैव फन. व्हाट डिड द लीव्स डू व्हेन दे हर्ड द विंड कॉलिंग. तो यहाँ आएगा कि कैम डाउन इन फ्लटरिंग वन एंड ऑल. व्हाट डिड द स्नो डू. तो इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम. इस तरह से ये हो जाते हैं यहाँ पे 4 मार्क्स अपने सिक्योर अनसीन स्टांजा पर से यहाँ क्वेश्चन के आंसर्स के. 53 नंबर का था यू हैड सम ओल्ड स्टोरी बुक्स एंड क्लोथ्स योर मदर टेक्स यू
टू एन ऑर्फेनेज एंड यू डोनेट देम टू द चिल्ड्रन देयर राइट योर एक्सपीरियंस इन योर डायरी। यहाँ हमें डोनेशन जो है वो ऑर्फेनेज के अंदर यहाँ जो है करता हुआ एक एक्सपीरियंस बताता हुआ डायरी जो है वो लिखना था यहाँ पे। और ये काफ़ी अच्छा सा ऐसा एक डायरी जो है हमें पूछा गया था। इसके अलावा और के अंदर अगर हम बात करते हैं यहाँ तो यहाँ दिया गया यू हैव अ सडन पेन इन योर स्टमच एंड यू आर रश टू अ फिजिशियन राइट एटलीस्ट फोर डायलॉग्स बिटवीन यू एंड द डॉक्टर। डॉक्टर और आपके बीच में यहाँ पे फोर डायलॉग्स बताना थे यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ जो है वो इश्यू हुआ है स्टमच का। इसके बाद में 54 नंबर जहाँ पोस्टर की बात करें तो डेंजरस यूजिंग ऑफ टोबैको हमारे आई एम पी में से आया हुआ। इसके अलावा ड्राफ्ट एंड नोटिस स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन क्विज कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए यहाँ एज अ हेड बॉय और हेड गर्ल आपको जो है वो नोटिस देनी थी, ये भी अपने आई एम पी में से दिया हुआ है। सेक्शन ई की बात करें तो यहाँ दिया है राइट अ रिपोर्ट ऑन योर स्कूल ट्रिप। स्कूल ट्रिप के रिगार्डिंग रिपोर्ट मैंने आई एम पी में बताया था आई एम पी की वीडियो में, वही फ्रेंड्स यहाँ पर आया हुआ है। लेटर की बात करें तो म्यूनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेन यहाँ करना था न्यूशंस ऑफ स्ट्राइक कैटल के बारे में, उसके रिगार्डिंग लेटर यहाँ दिया हुआ, जो कि लेटर का आई एम पी मैंने यहाँ नहीं दिया हुआ था, लेकिन किसी और टॉपिक के अंदर जो है रिपोर्ट के अंदर मैंने ये वाला टॉपिक बताया था वो यहाँ पर लिया गया है लेटर के अंदर। और मैंने कहा भी था कि ऐसा भी हो सकता है कि टॉपिक्स जो है किसी और टॉपिक के अंदर हमें पूछते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद न्यू मोबाइल फ़ोन आपने ख़रीदा है, ये तो मैंने खास बोला था ईमेल करना, और वही ईमेल यहाँ पर पूछा गया है रिप्लेस या फिर रिटर्न करने के लिए। आगे बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे राइटिंग की, तो ऐसे राइटिंग में रिकलेक्शन ऑफ योर चाइल्डहुड और ट्यूशन इन एजुकेशन नेसेसिटी और न्यूसेंस इसके बारे में यहाँ जो है वो पूछा गया था ऐसे, और ये दी हुई थी स्टोरी। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ सभी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है स्टैंडर्ड टाइम इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का ये हो जाता है कंप्लीट। होप सो काफ़ी अच्छे से एग्जाम जो है वो आपने दी होगी और काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस जो है वो आपका यहाँ रहा होगा। बस तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के इस वीडियो के सॉल्यूशन में। आप कर दीजिएगा यहाँ पे इस वीडियो को लाइक, बाकी के दोस्तों के साथ कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैथ्स का वीडियो यहाँ जल्दी आपको मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। आई एम पी क्वेश्चंस और मोर देन 50 मार्क्स कैसे स्कोर करना है वो भी आपको वहाँ देखने मिल जाएगा, तो उसे जरूर से देख लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।